हेलो फ्रेंड्स, आज फिर नए रिकॉर्डिंग के साथ आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। आप ही लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप बार बार मेटियोर के बनाते हो और थंडरबर्ड 350X के बनाते हो, तो बेटर है कि आप कॉल करके क्लासिक 350 BS6 के बारे में बनाओ। और कुछ लोगों ने और दूसरे बाइक के बारे में बोला था कि जैसे बुलेट है 350 और हिमालयन है और GT कॉन्टिनेंटल है और मतलब रॉयल इनफील्ड के और जो दूसरी बाइक्स हैं, इवन बहुत से लोगों ने तो और दूसरी एवेंजर्स दूसरी कंपनी के बाइक के बारे में बोला था, एवेंजर है और पल्सर है और यानी कि इस तरीके से और TVS की कुछ बाइक्स हैं, तो उनके बारे में भी। तो धीरे धीरे मैं वहाँ पर भी पहुँचूंगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो इससे क्या होगा कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और पिछले कुछ दिनों से सब्सक्राइबर बढ़ने कम हो गए, मतलब बहुत स्लो हो गया है, तो वो भी एक मैटर है, तो उसके लिए रिक्वेस्ट है। और हाँ, लाइक का बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, और आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं वो नीचे आप कमेंट करके बताएं। हाउ आई इम्प्रूव माई चैनल, तो उससे क्या होगा कि मुझे मेरी कमियाँ पता चलेंगे। और कमी से कोई ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा हो जाता है, कि कमियों से ही सीखता है। तो आप जैसा बताएंगे कि भाई ये चीज़ आप चेंज करो, तो उससे जो है मुझे समझ में आएगा कि भाई एक्चुअल में ऐसा बनाना चाहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 के रिकॉर्डिंग। एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग जो है क्लासिक 350 BS6 मॉडल का है, कि BS6 में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए हैं उसके बारे में। तो पहले हम लोग रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, फिर बात करते हैं। Implementation of preventive measures for the coronavirus crisis, we are proactively switching to emergency support mode in order to ensure uninterrupted services. However, this may result in some delays in our services. Welcome to Royal Enfield, a hotline for all things Enfield. Hindi ke liye ek dabaein, for English press 2. Aapatkalin sadak sahayata ke liye kripya ek dabaein. Royal Enfield utpadon ki adhik jankari ke liye kripya 2 dabaein. Hamari utpadon aur aapka call ab hamari representative ko transfer kiya ja raha hai. Thank you for calling Royal Enfield support. My name is Saif. How may I help you? Saif sir, I want to know about classic 350 sir, BS6 model. First of all sir, very thank you for showing interest in Royal Enfield sir. Sir, is it possible to speak in Hindi sir? If you can please. जी sir, बिल्कुल बताइए sir. सर मुझे इसी के बारे में पता करना था, क्लासिक के बारे में, कि सर इसका इंजन के बारे में, या जैसे अभी ये लोग बोल रहे थे मेटियोर वगैरह, लेकिन मेरा मूड था कि क्या कहते हैं क्लासिक की तरफ जाने के लिए। तो अगर आप इसकी डिटेल दे सकते हैं BS6 के बारे में कुछ। जी ज़रूर सर, बिल्कुल हम आपको बता देते हैं। लेकिन देखिए BS6 मॉडल जो है हमारा क्लासिक 350, आपको सबसे पहले तो बताना चाहेंगे सर कि मॉडल वाइज कोई चेंजेस नहीं हुआ है क्लासिक 350 मॉडल में। इसमें सिर्फ जो है इंजन में इंटरनली थोड़े से चेंजेस किए गए हैं सर, जैसे कि आपको ये पता होगा कि सबसे मेजर चेंज जो किया गया है वो इलेक्ट्रिकल फ्यूल इंजेक्शन इंस्टॉल किया गया है कार्बोरेटर के रिप्लेसमेंट में। जो पहले हमारे BS4 मॉडल्स में कार्बोरेटर के साथ में वही मोटरसाइकिल्स आती थी क्लासिक 350, जो कि अभी जिसे रिप्लेस करके इलेक्ट्रिकल फ्यूल इंजेक्शन इंस्टॉल किया गया है, जिससे कि जो BS4 में सल्फ्राइड गैस जो एयर पोल्यूशन ज्यादा होते थे उसे अभी काफी कंट्रोल किया गया है। BS6 इंजन में उसे काफी कंट्रोल किया गया है। एंड BS4 मॉडल्स में जो वाइब्रेशंस होते थे व्हीकल राइड करते समय तो काफी वाइब्रेशंस होते थे एंड एग्जॉस्ट काफी होता था, जिसे काफी कंट्रोल किया गया है। सो वाइब्रेशंस भी काफी कंट्रोल किए गए एंड जो साउंड था ज्यादा जो इंजन का साउंड था उसे भी काफी कंट्रोल किया गया है। एंड इसमें जो है साइड स्टैंड सेंसर इंस्टॉल किया गया है सर, कि लाइक जैसे कि अगर आपका साइड स्टैंड नीचे होता है सो वो आपको इंडिकेट करेगा, एंड जब तक आपका साइड स्टैंड ऊपर नहीं लेते हो आप अपनी गाड़ी जो आगे मूव नहीं कर पाओगे सर। अच्छा, आप न्यूट्रल में सर सेल्फ तो दे पाओगे, सेल्फ में स्टार्ट हो जाएगी व्हीकल, बट जैसे आप गियर पुट करोगे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आपका साइड स्टैंड ऊपर नहीं करते हो। मतलब अगर साइड स्टैंड ऑन है तो फिर क्या कहते हैं वो आगे बढ़ेगी नहीं। जी बिल्कुल सर, जब तक आप ऊपर नहीं लेते हो जी, इसका ये बेनिफिट है सर कि लाइक काफी बार आप देखते होंगे कि साइड से नीचे होने के कारण काफी एक्सीडेंट्स होते थे, व्हीकल जो स्किड हो जाती थी, तो जिसे देखते हुए ये चीज इंस्टॉल किया गया है। एंड इस पे और फंक्शन जो इंस्टॉल किए गए हैं कि आपका जो फ्यूल इंडिकेटर है जो रिफ्लेक्ट करेगा आपका फ्यूल अगर जो है रिजर्व पे होता है तो वो आपको इंडिकेट करेगा कि आपका जो फ्यूल है वो रिजर्व पे है। अच्छा, मैं एक पर्टिकुलर उसके लिए भी इंडिकेटर लगाया गया है।
जी बिल्कुल सर, फ्यूल रिजर्वेशन के लिए भी इंडिकेटर इंस्टॉल किया गया है एंड इसमें मेजर जो चेंजेस किए गए हैं कि जैसे कि रोल ओवर सेंसर इसमें इंस्टॉल किया गया है, जिससे कि आपकी गाड़ी अगर स्किड होती है या गिरती है आपकी गाड़ी तो एक सेंसर एक्टिवेट होता है इंजन में, जो कि अपनी लाइक आपकी गाड़ी व्हीकल गिरने से पहले, स्किड होने से पहले ही इंजन ऑफ कर दिया जाता है, इंजन ऑफ हो जाता है, जिससे कि आपकी इंजन हिमालयन में था शायद में भी सर ये। जी बिल्कुल सर, ये हिमालयन मॉडल्स में पहले जो थे पहले वो भी जो है सभी मॉडल्स में किए गए हैं इंस्टॉल सर। अच्छा अच्छा, तो फिर और इसका पावर वगैरह में कोई डिफरेंस वगैरह आया? जी नहीं सर, पावर वगैरह है जो है वो बिल्कुल भी सेम है सर, परफॉर्मेंस में से कोई चेंजेस नहीं, जैसे कि हमने आपको बताया परफॉर्मेंस में जो चेंजेस किए गए जो कि वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा हो सकते थे जिसे काफ़ी कंट्रोल किया गया है। अच्छा, स्पीड वगैरह टॉप स्पीड? जी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो होगा सर लाइक कि स्पीड कितनी होगी व्हीकल का, हाँ? उसका इन्फॉर्मेशन प्रॉपर आपको जो है हमारे डीलरशिप या सर्विस सेंटर में जो टेक्नीशियंस होते हैं वो आपको प्रोवाइड कर पाएंगे, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है। दो तीन चीज़ सर जरा सा मे भी शायद आपको पता होगा, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि कार्बोरेटर जो है वो हटा दिया गया है और अब FI आ गया है, तो FI आ गया तो मे भी इसमें माइलेज में डिफरेंस तो आया ही होगा सर। जी बिल्कुल सर, माइलेज में जैसे कि हमारे पास भी जो अपडेट है कि माइलेज में इंक्रीज हुआ है सर, BS4 के मुकाबले माइलेज भी काफी बेहतर हुआ है, बट जो एक्जेक्ट माइलेज होगा वो आपको बताया जाएगा सर। हाउ इज इट पॉसिबल, हम आपको कह रहे कि टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको लाइक हमारे डीलरशिप से द्वारा ही मिल पाएगा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, और बाकी कलर वगैरह में कोई मतलब सेम जो पहले के थे वही है ग्रे या वो? जी बिल्कुल सर, पहले जो कलर्स थे हमारे वो कलर्स भी हैं ऑलरेडी, सब कलर्स हैं एंड हमने जो कलर्स लॉन्च किए हैं क्लासिक 350 मॉडल्स में, जैसे कि आपको पता होगा स्टेल्थ ब्लैक एंड क्रोम ब्लैक, जो स्टेल्थ ब्लैक जो पहले 500 cc में आते थे। जी 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 बिल्कुल, ये दो नए कलर्स हमने लॉन्च किए हैं एंड इसके अलावा जो हमारा गन मेटल ग्रे था सिग्नल्स एडिशन में, जो दो कलर्स थे एयरबोन ब्लू स्टॉर्म रेड सैंड रेडिश रेड, ये जो कलर्स थे हमारे ये सारे कलर्स अवेलेबल हैं सर BS6 मॉडल्स में। अच्छा, इसके एक चीज़ और सर जरा सा ये चीज़ आपको नहीं बता बोल सकते आप इसके बारे में, वो है कहते हैं इसका स्पोक व्हील है या फिर क्या कहते हैं ट्यूबलेस टायर है सर इसके? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे सर कि स्टेल ब्लैक में जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से जो व्हीकल आप डीलरशिप से बुक करते हो, सो जो व्हीकल डिलीवर होती है आपको सिर्फ स्टेल्थ ब्लैक है, जिनमें जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से अलग के साथ में आ रहे हैं एंड इसके अलावा जो भी मॉडल्स हैं वो सारे मॉडल स्पोक व्हील्स में आते हैं सर। जी बिल्कुल, वो सारे मॉडल जो है स्पोक व्हील्स में आते हैं। तो स्पोक व्हील है तो इसका मतलब फिर तो क्या कहते हैं ट्यूबलेस टायर नहीं होगा उसमें? जी नहीं सर, स्पोक व्हील्स में ट्यूबलेस टायर नहीं होते हैं सर। बिल्कुल, आप इसे जो है अलग से, अगर आपको ट्यूबलेस टायर यानी अलॉय व्हील्स लगाने होते हैं तो वो आप अलग से डीलरशिप को जो है पहले इन्फॉर्म कर सकते हो, सो उसके अकॉर्डिंगली वो आपको लिए जो है अलॉय व्हील्स ऑर्डर करके आपको अलॉय व्हील्स इंस्टॉल कर पाएंगे सर, अगर आप वो सेम ब्लैक के अलावा कोई दूसरा मॉडल लेते हो। अच्छा अच्छा, नहीं लेकिन सर वो सेम प्राइस में होगा या फिर उसके लिए एडिशनल प्राइस लगाना पड़ेगा? जी नहीं सर, वो अलॉय व्हील्स के लिए एडिशनल आपको प्राइस जो है अलग से चार्जेस लगते हैं सर। ओके सर, सर थैंक यू सर। सर एक चीज़ और सर, इसका फाइनल सर प्राइस के बारे में सर कुछ बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल सर, क्लासिक मॉडल जो है उनके हम आपको एक्स शोरूम प्राइस बता देते हैं सर, कि लाइक एक्स शोरूम प्राइस मॉडल्स के क्या होंगे, तो जैसे कि आपका स्टेट और सिटी बता सकते हैं आप हमें सर? मेरा नोएडा पड़ता है या फिर दिल्ली, इन दोनों में से कोई सभी आप चूज कर सकते हैं क्योंकि बॉर्डर है सर। अच्छा सर, बिल्कुल सर, हम आपको बता देते हैं शोरूम प्राइस जो होगा वो क्या होगा सर। जी बिल्कुल, सो देखिए बताना चाहेंगे जैसे कि जो हमारे क्लासिक मॉडल में है स्टेल ब्लैक एंड क्रोम ब्लैक, यस सर, इनका जो एक्स शोरूम प्राइस है सर ये है 1,81,727 rupees। अच्छा, गन मेटल ग्रे जो है इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है सर यह 1,69,791 rupees। अच्छा, एंड जो सिग्नल मॉडल्स में हमारे दो कलर है एयरबोन ब्लू एंड स्टॉर्म रेड सैंड, इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,75,270 rupees। ओके ओके सर, क्लासिक जो नॉर्मल क्लासिक ब्लैक है जी 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 उसका
जो एक्सोरूम प्राइस है वो है 1,65,025 रुपीज़। ओके, मतलब तीन मॉडल अलग अलग हैं, मतलब रेट तीन रेट्स हैं अलग अलग। सबसे कॉस्टली क्रोम और ब्लैक पड़ रहा है, स्टैंड ब्लैक एंड क्रोम ब्लैक है सर। यस, इसमें जैसे आपने बताया इसमें कितने हैं, ये एक्स शोरूम प्राइस है, ऑन रोड में भी कितना और डिफर हो जाएगा इसमें सर अप्रॉक्स? सभी स्टेट वाइज जो ऑन रोड प्राइस और डिफर करता है, जैसे कि आपको पता होगा कि रजिस्ट्रेशन वर्क स्टेट वाइज अलग अलग होता है सर। सो ऑन रोड जो एग्जैक्ट ऑन रोड अमाउंट होगा वो आपको डीलरशिप द्वारा बताया जाएगा, तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता पाएंगे कि लाइक एग्जैक्ट अमाउंट क्या होगा। अप्रोक्सीमेशन सर कुछ भी? सॉरी सर, बट अगर हमारे पास इसका इन्फॉर्मेशन होता है आपको जरूर बता पाते। चलिए सर, ठीक है सर, थैंक यू। अदरवाइज मैं सोच रहा था कि मेटियोर कोई शायद बाइक आपकी आने वाली है उसके बारे में प्लान कर रहा था। बिल्कुल, मेटियोर भी जो है लॉन्च होने वाला है, तो उसके बारे में प्लान कर रहा था, तो इस चक्कर में थोड़ा सा डिले हो रहा हूँ इसीलिए। तो फ्रेंड्स फाइनली रिकॉर्डिंग सुन ली और समझ में भी आ गया होगा, और जो जो डाउट्स थे लोगों के वो क्लियर हो गए होंगे। इसमें कुछ कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी तो जो कि इसमें मे भी रह गया हो, बहुत सारे लोगों के अपने अपने क्वेश्चंस होते हैं, तो वो चीज़ जो है आप अपने कमेंट सेक्शन में नीचे आप पूछ सकते हैं कि भाई ये कैसा है, वो कैसा है, वो मैं जनरली आपको बता दूंगा। हाँ, अगर आप चाहेंगे नहीं भाई इसकी रिकॉर्डिंग ही चाहिए, तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर और उन सब सारे क्वेरीज़ को मैं एक साथ जमा करके और उसकी फिर रिकॉर्डिंग बना दूंगा, मतलब एक बार क्वेश्चंस कर लूँगा उनसे और जो भी बताते हैं उसके बिहाफ पे तो वो पता चल जाएगा। तो बस जैसा कि एज यूजुअल मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि छोटे से छोटा वीडियो बनाने के लिए, लेकिन हमेशा लंबी लंबी हो जाती है क्योंकि रिकॉर्डिंग खुद अपने आप में 8-9 मिनट की रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो बस अब ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को क्लोज़ करते हैं, और जाते जाते फिर से एक रिक्वेस्ट वही है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें, और हाँ लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, प्लीज़ उसको ज़रूर दबा दें। थैंक यू।